इस वक्त की बड़ी खबर एसपी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, जिनके ऊपर जूता फेंका गया है, जिसके बाद में तगड़ा बवाल देखने को मिला। जूते फेंकने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में आपको बता दें कि हाल फिलहाल के दिनों में रामचरितमानस और इसके अलावा हिंदू मान्यताओं को लेकर कई विवादित बयान देने के चलते वो सुर्खियों में थे। स्वामी प्रसाद मौर्य से पहले बीजेपी के नेता हुआ करते थे, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया है। तस्वीरें लगातार आपके सामने है कि किस तरीके से पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर जा रही है। हालांकि जो शख्स जूता जिसने फेंका है वो वकील के भेष में आया था। ओबीसी का सम्मेलन चल रहा था जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया है। हालांकि शख्स ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता क्यों फेंका, इसको लेकर अभी और जानकारी आना बाकी है। लेकिन बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया। वीके न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।